नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने एक YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक नए कैंपस प्लेसमेंट के बारे में। यहाँ जो कैंपस लगा रही है कंपनी का नाम है ऑटोसेस कंट्रोल सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कि चेन्नई की कंपनी। यहाँ पर अर्जेंट रिक्वायरमेंट निकली हुई है, वो भी कंपनी बेसिस पे परमानेंट जॉब रोल है। तो एक अच्छा मौका है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए ये कि जो जॉब करना चाहते हैं। यहाँ पर मोस्टली ITI और डिप्लोमा से रिलेटेड जो भी सारी वैकेंसी निकली हुई है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कई डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पर वैकेंसी आई हुई हैं। तो वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा कि किस डिपार्टमेंट में और किस कौन कौन से क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पर जो है वैकेंसी आई हुई हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन। यहाँ पर उन्होंने मांगा है 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस। अगर बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, तो आपके पास ITI और डिप्लोमा होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन की बात की गई, तो अगर आपने अपनी ITI कंप्लीट की है इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर से, तो आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं, तो आपने अपना डिप्लोमा किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और उसके साथ साथ जो इलेक्ट्रॉनिक्स की ट्रेड्स हैं 2 या 3 डिप्लोमा में, वो कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आता है इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नीशियन। यहाँ पर भी 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर बात करते हैं एरिया के, तो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन फील्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, यहाँ पर ITI डिप्लोमा है, तो यहाँ पर भी वो सभी कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर पाएंगे जिन्होंने अपनी ITI इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक में कम्प्लीट की है, और अपना डिप्लोमा भी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में कम्प्लीट किया है। फ्रेंड, जो थर्ड पोस्ट है वो है PLC प्रोग्रामर। तो यहाँ पर भी उन्होंने 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, और यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा या फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, यानी कि अगर आपने BTEC किया है या फिर डिप्लोमा किया है, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर डिप्लोमा के ट्रेड्स की बात करें, तो अगर आपने अपना डिप्लोमा कम्प्लीट किया है कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से, यही बात BA या BTEC के लिए भी होती है। अगर आपने अपना BTEC कम्प्लीट किया है कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT और इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो आप पार्टिसिपेट कर पाओगे। फिर अगर हम आगे बात करते हैं, यहाँ पर जो चौथी पोस्ट है इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर, वहाँ पर भी 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, और यहाँ की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो बैचलर डिग्री और डिप्लोमा होल्डर दोनों है। तो वो सभी डिप्लोमा होल्डर जिन्होंने अपनी डिप्लोमा कम्प्लीट किया है इलेक्ट्रॉनिक्स से, वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और जो बैचलर हैं यानी कि BTEC कैंडिडेट हैं, अगर उन्होंने अपनी ITI कम्प्लीट किया इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो वो भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे। यहाँ पर जो पांचवी पोस्ट है वो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की है, तो उसके लिए भी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो डिप्लोमा और BTEC है। और फ्रेंड, इसके लिए जो एक्सपीरियंस मांगा हुआ है वो 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी ऑटोमेशन में, जैसे कि ऑयल एंड गैस, वाटर, वेस्ट वाटर प्रोजेक्ट पे आपका ऑटोमेशन में 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फ्रेंड, जो 6th पोस्ट है वो है सीनियर इंजीनियर की या फिर असिस्टेंट मैनेजर की, वो भी इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डिपार्टमेंट में। तो वहाँ पर आपको चाहिए होगा ITI या डिप्लोमा, और साथ ही साथ 10 प्लस ईयर का एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे अगर हम बात करें डिप्लोमा और ITI यानी कि उसके किस स्टेट से होनी चाहिए, तो अगर आपने अपने ITI कंप्लीट किया है इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में, और डिप्लोमा किया है आपने इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स से, साथ ही साथ आपके पास 10 से ज़्यादा साल का एक्सपीरियंस है, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर आगे बात करते हैं, यहाँ पर जो 7th पोस्ट है, 7th पोस्ट है यहाँ पर इंजीनियर्स रोबोटिक्स, उसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो है बैचलर डिग्री और डिप्लोमा। यहाँ पे एक्सपीरियंस है 3 से 5 साल का, वो भी इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में। तो फ्रेंड, वो सभी कैंडिडेट जिन्होंने अपना ITI डिप्लोमा भी कंप्लीट किया है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रीशियन इन सभी ट्रेड से, या फिर ITI या कंप्यूटर साइंस से, तो वो अगर इंटरेस्टेड हैं जॉब करना चाहते हैं ITI डिप्लोमा BTEC जो भी हैं, तो वो अपना रिज्यूम सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो ईमेल ID दी हुई है, तो यहाँ पर आप अपना रिज्यूम सेंड कर सकते हैं, और आपको कॉल आएगी। अगर जो जिस हिसाब से आपका रिज्यूम सेलेक्ट होगा, उस हिसाब से आपको कॉल आएगी। तो फ्रेंड, एक बार मैं फिर से बोल दूँ, जो कंपनी का नाम है ऑटोसेस कंट्रोल सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कि चेन्नई की कंपनी है और काफ़ी ब्रांडेड कंपनी है, अच्छी कंपनी है, वहाँ आपका सैलरी पैकेज बहुत अच्छा रहता है। करीब अगर आप एज ए ITI यानी कि आपके पास 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपकी 28,000 सैलरी होगी। अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं, तो आपकी होगी 32,000। और अगर आप BTEC होल्डर हैं, आपके पास 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपकी सैलरी होगी 42,000 रुपये। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नया हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।